पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बढ़ते तकनीक के बीच लोगों की निजी जानकारियां कितनी निजी रह गई हैं कुछ नहीं कहा जा सकता है। अक्सर सरकार भी लोगों की जानकारियां जुटाने में पीछे नहीं हटती। पिछले एक दो सालों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा फेसबुक से भारतीय यूजर्स का डेटा मांगने में तेजी देखी गई है। वहीं अब देश में लोगों की जानकारियां बेचे जाने का मामला सामने आया है। करीब 1 लाख से अधिक भारतीयों के आधार, पैन कार्ड और पासपोर्ट के साथ दूसरे राष्ट्रीय पहचान पत्रों की स्कैन कॉपी डार्क नेट पर सेल किए जाने के लिए उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। डार्क नेट आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउजिंग के दायरे से परे होती है। यह सामान्य वेबसाइटों के विपरीत एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक लोगों के चुनिंदा समूहों की पहुंच होती है और इस नेटवर्क तक विशिष्ट ऑथराइजेशन प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर और कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। डार्क नेट को डार्क वेब के नाम से भी जाना जाता है। डार्क नेट पर लोगों की जानकारी सेल कराने के लिए उपलब्ध कराने की जानकारी सिक्योरिटी फर्म साइबल ने दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह डेटा लीक एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से हुआ है, न कि सरकारी डेटाबेस से। डार्क नेट आमतौर पर तस्करी, आतंकवाद और दूसरे अवैध कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई बार संवेदनशील जानकारियां साझा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। डार्क नेट या ये डार्क वेब पर मौजूद जानकारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेटा किसी KYC नो योर कस्टमर कंपनी के जरिए लीक हुई है, क्योंकि जो डेटा डार्क वेब पर मौजूद है उनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी शामिल है। आपको बता दें कि एक हैकर के पास भारत के अलग अलग हिस्सों में 1 लाख से अधिक लोगों के पहचान दस्तावेज कथित रूप से होने का दावा किया गया है। वहीं सिक्योरिटी फर्म साइबल के शोधार्थियों ने कहा उस उपयोगता से 1 लाख पहचान दस्तावेज हासिल कर उनमें भारतीय होने की पुष्टि की गई है। यह दस्तावेज स्कैन कॉपी के रूप में है। साइबल ने कहा, हमने एक हैकर से संपर्क किया है जिसकी पहचान अभी कुछ भी नहीं है और वह डार्क नेट पर 1 लाख से अधिक भारतीय पहचान पत्रों की बिक्री कर रहा है। उसके पास भारत के विभिन्न हिस्सों में करीब 1 लाख पहचान पत्रों के कथित तौर पर एक्सेस है। डेटा की इस प्रकार लीकेज के लिए एक तरफ प्राइवेट कंपनियां तो जिम्मेदार है ही, लेकिन दूसरी ओर यह भी दिखाता है कि देश की साइबर सिक्योरिटी का स्तर क्या है। सरकार डिजिटल इंडिया की बातें तो करती है, लेकिन डिजिटल होने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सरकार की है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।